दुर्गा मंदिर में नवरात्रि उत्सव की धूम थी। मंदिर में दर्शनों के लिए भक्तों की भीड़ लगी थी। मंदिर के पुजारी जी भक्तों के समक्ष माँ दुर्गा के 9 रूपों का वर्णन कर रहे थे। देवी दुर्गा जो शक्ति का प्रतीक है, ममतामयी माँ है, उन्हीं माँ आदि शक्ति देवी दुर्गा के नवरात्रि व्रत और पूजा बहुत ही फलदायी है। नवरात्रि के दिनों में माँ दुर्गा के नाम का जाप करने और माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करने से मनुष्य के सारे पाप धुल जाते हैं, साथ ही जीवन के सारे दुख दूर हो जाते हैं। माँ दुर्गा के नवरात्रि व्रत रखकर और उनकी पूजा करके मनुष्य जो भी मनोवांछित इच्छा रखकर अपनी झोली फैलाता है, माँ दुर्गा उसकी झोली में खुशियां भर देती हैं। कहते हैं माँ के द्वार से कोई भी भक्त खाली झोली वापस नहीं आता। माँ दुर्गा अपने भक्तों की पुकार अवश्य सुनती हैं। दुष्टों का संहार करने तथा भक्तों का उद्धार करने के लिए माँ दुर्गा ने 9 रूप धारण किए। माँ दुर्गा का प्रथम रूप है देवी शैलपुत्री। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। शैलपुत्री माता सती को कहा जाता है, जो माता का पहला अवतार था। सती राजा दक्ष की कन्या थी। राजा दक्ष द्वारा महादेव के अपमान के कारण माता सती ने पिता द्वारा किए गए यज्ञ की अग्नि में कूदकर खुद को भस्म कर लिया था। फिर अगले जन्म में पर्वतराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया और शैलपुत्री के नाम से जानी गई। बोलो माँ शैलपुत्री की जय। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। कहा जाता है भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए जब देवी पार्वती ने कठोर तपस्या की, वर्षों तक कठिन उपवास रखे और कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या की, माता के इस कठोर तप के बाद ही माता पार्वती ने महादेव को पति के रूप में प्राप्त किया था। इस कारण उनका दूसरा नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। बोलो माँ ब्रह्मचारिणी की जय। माता का तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। इनके मस्तक पर चंद्र के आकार का तिलक है। कहा जाता है कि विवाह के दिन भगवान शिव के रूप को देखकर उनके माता पिता और अतिथिगण भयभीत हो गए और देवी पार्वती की मां मैना देवी मूर्छित हो गई। तब देवी पार्वती ने चंद्र घंटा का रूप धारण किया और भगवान शिव के पास पहुंच गई। उन्होंने बहुत विनम्रता से भगवान शिव से एक आकर्षक राजकुमार के रूप में प्रकट होने के लिए कहा, जिसके पश्चात दोनों का विवाह हो गया। तब से देवी पार्वती को शांति और क्षमा की देवी के रूप में उनके चंद्र घंटा अवतार में पूजा जाता है। बोलो माँ चंद्र घंटा की जय। नवरात्रि का चौथा दिन माता कूष्मांडा को समर्पित माना गया है, जिनमें ब्रह्मांड को उत्पन्न करने की शक्ति व्याप्त हो, जो उदर से अंड तक माता अपने भीतर ब्रह्मांड को समेटे हुए हैं, उस शक्ति को कूष्मांडा कहा गया है। माता शक्ति स्वरूपा है, इसलिए उनका एक नाम कूष्मांडा है। बोलो माँ कूष्मांडा की जय। कार्तिकेय माता पार्वती के पुत्र हैं, जिन्हें स्कंद के नाम से भी जाना जाता है। जो स्कंद की माता हैं, वो स्कंद माता कहलाती हैं। नवरात्रि के पांचवें दिन स्कंद माता की पूजा की जाती है, इसीलिए माता का एक रूप स्कंद माता भी माना गया है। बोलो स्कंद माता की जय। नवरात्रि के छठे दिन माता कात्यायनी की पूजा की जाती है। ऋषि कात्यायन
मां आदि शक्ति के परम भक्त थे। इनकी इच्छा थी कि देवी उनकी पुत्री के रूप में उनके घर पधारें। इसके लिए ऋषि कात्यायन ने वर्षों कठोर तपस्या की। माता ने महर्षि कात्यायन के कठिन तप से प्रसन्न होकर उनके घर में उनकी पुत्री के रूप में जन्म लिया और ऋषि कात्यायन की पुत्री होने के कारण माता मां कात्यायनी कहलाई। बोलो मां कात्यायनी की जय। माता का सातवां स्वरूप देवी कालरात्रि है। नवरात्रि के सातवें दिन मां कालरात्रि की पूजा होती है। जब मां दुर्गा ने दैत्य रक्त बीज का संहार किया तो उसके शरीर से निकले रक्त से लाखों रक्त बीज दैत्य उत्पन्न हो गए। इसे देख देवी दुर्गा ने अपने तेज से देवी कालरात्रि को उत्पन्न किया। रक्त बीज के शरीर से निकलने वाले रक्त को मां कालरात्रि ने जमीन पर गिरने से पहले ही अपने मुख में भर लिया। तभी से माता के कालरात्रि रूप को पूजा जाने लगा। बोलो मां कालरात्रि की जय। माता का आठवां स्वरूप देवी महागौरी का है। नवरात्रि के आठवें दिन महागौरी की पूजा होती है। शिव को पाने के लिए जब माता पार्वती ने कठिन तप किया तो तप के प्रभाव से उनका रंग काला पड़ गया। तपस्या से प्रसन्न महादेव ने देवी पार्वती को पवित्र गंगा में स्नान करने के लिए कहा। गंगा के पवित्र जल से देवी पार्वती गौर वर्ण की हो गई। इस कारण माता का नाम महागौरी पड़ा। बोलो मां महागौरी की जय। नवरात्रि के नवे दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा होती है। मां दुर्गा का आखिरी स्वरूप मां सिद्धिदात्री है। ये मां दुर्गा की नौवीं शक्ति है। पुराणों के अनुसार भगवान भोलेनाथ ने भी सिद्धिदात्री की कृपा से ही समस्त सिद्धियों को प्राप्त किया था। इसी कारण वे जगत में अर्धनारीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। मां सिद्धिदात्री की उपासना करने से भक्तों की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। इनकी पूजा करने से यश धन और बल की प्राप्ति होती है। जो भी भक्त पूरे मन और श्रद्धा से मां सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं उनके जीवन के सारे दुख दूर हो जाते हैं और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोलो मां सिद्धिदात्री की जय। भक्तों आप सभी मां दुर्गा के नौ रूपों की पूजा करो। दुखियों की सहायता करो। गरीबों को दान पुण्य करो। सदैव सत्कर्म करो। कभी भी किसी से ईर्ष्या मत रखो। सदैव प्रेम से रहो और अच्छाई के मार्ग पर चलो तो आप सब भक्तों को मां का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होगा। जय मां दुर्गा। सभी भक्तों ने भी पुजारी जी के साथ मां दुर्गा के नाम का जयकारा लगाया। मां दुर्गा के नाम के जयकारे से पूरा मंदिर गूंज उठा। जंगल के किनारे मां काली का एक प्राचीन मंदिर था। दिन के समय वहां भक्तों की भीड़ लगी रहती थी पर शाम के समय मंदिर के पंडित जी मंदिर के द्वार पर ताला लगाकर पड़ोस के गांव में बने अपने घर चले जाते थे। एक दिन पंडित जी जब शाम की पूजा करके मंदिर का द्वार बंद करके घर जाने की तैयारी में थे तभी वहां एक आदमी आ पहुंचा। जय मां काली पंडित जी। बस दो मिनट अगर आप कहें तो मैं मां काली के दर्शन कर लूं। कर लो बेटा पर जल्दी करना। शाम के समय जंगल के आसपास चोर उचक्के घूमते हैं इसलिए मैं भी इस समय तक गांव लौट जाता हूँ। बस हो गया पंडित जी। माँ काली के दर्शन करके धन्य हो गया। अच्छा मैं चलता हूँ। वास्तव में वो आदमी कोई साधारण इंसान नहीं था बल्कि उसी जंगल के नजदीक बने एक दूसरे गांव में रहने वाला राजू नाम का चोर था। राजू कई दिनों से माँ काली के मंदिर में चोरी करने के बारे में सोच रहा था। आज पंडित जी के जाने के बाद वो मंदिर का ताला तोड़कर माँ काली के मंदिर में लगा
सोने का घंटा चुरा लेता है। हे माँ काली, आप तो जानती हो चोरी करना मेरे लिए कितना जरूरी है। अगर मैंने चोरी नहीं की तो घर पर मेरी पत्नी और दोनों बच्चे भूख से मर जाएंगे। कई दिनों से मेरे घर में चूल्हा भी नहीं जला है, इसलिए मुझे क्षमा करना। मैं आपके मंदिर से यह सोने का घंटा चुरा कर ले जा रहा हूँ। राजू मंदिर में से घंटा चोरी करके मंदिर के बाहर आ जाता है, पर अचानक उसके दिल में एक आवाज उठती है। नहीं नहीं, मेरा दिल नहीं मान रहा। पता नहीं आज मंदिर में चोरी करते हुए मन बहुत बेचैन हो रहा है। मैंने कई बार बहुत से घरों में अमीर सेठ और पैसे वाले लोगों के घर में चोरी की है, पर कभी मेरा मन नहीं घबराया। आज ऐसा क्यों हो रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि माँ काली मुझे कुछ कहना चाह रही हो? मैं ये घंटा चोरी नहीं कर सकता। काली माँ मुझे क्षमा करना, मैं आपके मंदिर में चोरी करने आया तो था, पर आपके दर्शन करके मेरा मन बदल गया। मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं आज के बाद कभी भी चोरी नहीं करूंगा। पर देवी मैया, मैं बहुत गरीब हूँ, अपने परिवार का पालन पोषण सिर्फ इस चोरी के रुपयों से ही करता आया हूँ। मेरी सहायता करना माँ, मैं दोबारा अपना रास्ता भटक न जाऊं। जय काली मैया। राजू ने काली माता के मंदिर से वो घंटा नहीं चुराया। वो खाली हाथ ही घर लौटता है और अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। आपको लगता है माँ काली हमारी मदद करेंगी? हाँ सुनीता, मैं जानता हूँ माँ काली बहुत शक्तिशाली है। अगर उन्होंने मेरा हृदय परिवर्तन करके मेरी दिशा बदली है तो वो मेरी दशा भी अवश्य बदल देंगी। मुझे उन पर विश्वास है। कहते हैं भगवान पर विश्वास ही भक्तों को हर मुसीबत में लड़ने की हिम्मत देता है। कुछ दिन तक राजू, उसकी पत्नी और बच्चे सब भूखे सोते रहे। गांव के नजदीक एक नगर में सेठ मोहनलाल अपनी पत्नी के साथ रहते थे। वे भी माँ काली के परम भक्त थे। एक रात सेठ मनोहर लाल जब गहरी निद्रा में सो रहे थे, तब माँ काली ने उन्हें दर्शन दिए। माँ, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। पुत्र, मैं जानती हूँ कि तुम मेरे परम भक्त हो। मैं तुम्हें एक कार्य देना चाहती हूँ। पास के गांव में राजू नाम का एक गरीब आदमी अपने परिवार के साथ रहता है। तुम्हें उसके पास जाना है और उसकी मदद करनी है, ताकि वो मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। जो आज्ञा माँ। इतना कहते ही माँ काली अंतर ध्यान हो गई। अगले दिन सेठ मनोहर लाल राजू के घर का पता पूछते हुए उसके घर पहुंचता है। राजू, मुझे घर पर काम के लिए एक व्यक्ति की जरूरत है, क्या तुम मेरे घर पर काम करोगे? मैं आपको जानता नहीं सेठ जी, आपको किसने भेजा है? राजू, मैं जानता हूँ तुम माँ काली के भक्त हो, वैसे ही मैं भी माँ काली का भक्त हूँ। समझ लो, उन्हीं की आज्ञा से मैं तुम्हें लेने आया हूँ। राजू समझ जाता है कि हो ना हो माँ काली ने उसकी मदद के लिए सेठ मनोहर लाल को उसके पास भेजा है। सेठ मनोहर लाल राजू के हाथ में खर्चे के लिए कुछ रुपए देते हैं। उसके पश्चात अगले दिन राजू सेठ जी के घर काम पर लग जाता है। राजू सेठ और सेठानी की खूब सेवा करता था। सेठ जी के कोई संतान नहीं थी। सेठ जी और सेठानी दोनों इस दुनिया में अकेले थे। एक बार सेठानी बहुत बीमार पड़ गई, तब राजू ने उनकी बहुत सेवा की। राजू बेटा, तुमने बीमारी के दिनों में मेरी बहुत सेवा की है, बिल्कुल मेरे अपने बच्चे की तरह। तुम्हारे आने से सचमुच हमें बहुत आराम मिल गया है। माँ जी, आपने और सेठ जी ने भी तो मुझ गरीब पर इतने उपकार किए हैं, उनके आगे तो ये कुछ भी नहीं। राजू को सेठ जी के घर काम करते हुए एक साल बीत जाता है। सेठानी की तबीयत अब खराब रहने लगी थी। एक दिन वो सेठ जी से बोली, सुनो जी, मेरा अब कोई भरोसा नहीं है कि मैं इस दुनिया से कब चली जाऊं, पर मैं इतना जानती हूँ कि मेरे जाने के बाद राजू आपका पूरा ख्याल रखेगा। मेरी इच्छा है कि हम राजू को अपनी जायदाद का वारिस बना दें। वो तो ठीक है, पर तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। पर वक्त को कुछ और मंजूर था। सेठानी दुनिया से चली गई। उनके जाने के बाद सेठ जी उदास रहने लगे, इसलिए राजू कभी कभी अपने दोनों बच्चों को सेठ जी के पास खेलने के लिए ले आता था। बच्चे सारा दिन सेठ जी के साथ खेलते थे। पिंकी बिटिया, बंटी बेटा, देखो मैंने तुम दोनों के लिए कितने सारे खिलौने मंगवाए हैं। सेठ जी, ये दोनों बहुत शैतान हो गए हैं। आप इनके लिए रोजाना कुछ ना कुछ मंगवाते रहते हैं और ये दोनों आपको परेशान करते हैं। चलो बच्चों, अब घर चलो। नहीं बापू, हमें दादाजी के साथ और खेलना है। मुझे भी बापू दादा के साथ खेलना है। बच्चों की मीठी मीठी और कोमल बातें सुनकर
सेठ जी की आंखें भर आती हैं और वो राजू से कहते हैं, राजू तुम सबका साथ पाकर मेरा परिवार पूरा हो गया। सेठानी की इच्छा थी कि हमारी जायदाद के वारिस तुम बनो और आज मैं सेठानी की इच्छा को पूरा करना चाहता हूं। जब तक मेरी जिंदगी के दिन बचे हैं मैं तुम सबके साथ गुजारना चाहता हूं। अब से तुम कानूनन मेरे बेटे बनकर इस घर में रहोगे। मैंने वकील साहब को बुलवाकर सारी जायदाद तुम्हारे नाम कर दी है बेटा। सेठ जी आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। आपका इतना प्यार पाकर मुझे सब कुछ मिल गया। माँ काली ने आपसे मिलवाकर मेरे जीवन में ढेरों खुशियां दे दी। मुझे कुछ नहीं चाहिए सेठ जी। बेटा मैं नहीं चाहता कि सेठानी की इच्छा अधूरी रह जाए। क्या तुम सेठानी को अपनी माँ नहीं मानते थे? सेठ जी की बातें सुनकर राजू रो पड़ता है। अब राजू अपने परिवार के साथ सेठ जी का बेटा बनकर उनके घर में ही रहने लगा। जिंदगी के आखिरी वक्त में सेठ जी ने बेटा बहू और पोते पोती का सुख देख लिया और इस दुनिया से चले गए। राजू एक बेटे की तरह सेठ जी का अंतिम संस्कार करता है। अपनी मेहनत और ईमानदारी से राजू एक चोर से एक अच्छा इंसान बन गया और आज माँ काली की कृपा से उसकी दिशा और दशा दोनों बदल चुकी थी।